Hello class 10, today we will discuss our short story The Necklace. It's very interesting story. This story एक लड़की की है जिसका नाम मटिल्डा है. मटिल्डा बहुत सुंदर लड़की है लेकिन उसका जन्म एक गरीब घर में हुआ था. वो हमेशा अपनी गरीबी को लेकर कोसती रहती है. उसको लगता है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, लेकिन ये सारे ड्रीम्स उसके पूरे नहीं होते हैं. फिर उसको लगता है कि मैं भी मेरी शादी कहीं अमीर घर में होगी, वहाँ मेरे को लग्जरी लाइफ मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. उसकी शादी एक स्मॉल क्लर्क से होती है, वहाँ भी उसको वो लग्जरी लाइफ नहीं मिलती. वो हमेशा अपनी गरीबी को लेकर कोसती रहती है कि मेरे पास अच्छा फर्नीचर नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है. यही सब सोच सोच कर वो इतनी कमजोर हो जाती है और दुखी रहती है हमेशा. एक दिन उसका हस्बैंड एक इनविटेशन कार्ड लाता है कि उनको शाम को किसी पार्टी में जाना होता है. वो कार्ड आके बीवी को देता है कि शाम को हम पार्टी में चलेंगे, लेकिन वो उस कार्ड को फेंक देती है और बोलती है मैं नहीं जाऊंगी. इस पर वो उसे कहता है कि आपको तो ऐसी लाइफ अच्छी लगती है लेकिन आप क्यों नहीं जाना चाहती. तो वो कहती है कि मेरे पास पार्टी में जाने के लिए ड्रेस नहीं है, मेरे पास कोई अच्छे गहने नहीं है जो मैं पहन कर जाऊँ. तब वो उसको कहता है चलो जैसे तैसे मैं आपको ड्रेस का अरेंज कर देता हूँ, लेकिन आप अपनी किसी फ्रेंड से ज्वेलरी मांग के ले लो. उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है. वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि काफ़ी अमीर होती है. वहाँ से वो एक डायमंड नेकलेस लेके आती है जो उसको बड़ा पसंद है. शाम को वो पार्टी के लिए तैयार होती है, वो नेकलेस पहनती है, ड्रेस भी अच्छा पहना होता है, वो काफ़ी सुंदर लगती है. पार्टी में सब लोग उसकी प्रेज करते हैं, वो बहुत खुश होती है. लेकिन जैसे ही वो घर आती है, आके वो मिरर के सामने खड़ी होती है तो वो देखती है कि उसके गले में वो हार नहीं होता. ये देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है. इस बात को वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती है. वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे. फिर उसका हस्बैंड उसको कहता है चलो जैसे तैसे करके हम ये डायमंड नेकलेस और खरीदेंगे. वो काफ़ी इंटरेस्ट पे कर्जा लेते हैं और ओवर टाइम काम भी करते हैं. वो इस कर्जे से एक डायमंड नेकलेस लेते हैं और वो अपने फ्रेंड को वो डायमंड नेकलेस देकर आती है. वो कर्जा इतना हैवी होता है कि इस कर्जे को चुकता करने के लिए उनको 10 साल लग जाते हैं. 10 साल वो हार्डवर्क करती है, उसका हस्बैंड ओवर टाइम काम करता है, वो अपनी मेड सर्वेंट को निकाल देती है, सारा हाउस होल्ड वर्क खुद करती है. इससे वो एक बूढ़ी औरत सी बन जाती है और बहुत गरीबी की लाइफ जीती है. एक दिन उसकी वही फ्रेंड जिससे उसने नेकलेस लाया था वो उसको मार्केट में मिलती है और पूछती है मटिल्डा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपके साथ. तब वो उसको वो सारी स्टोरी सुनाती है कि ऐसे ऐसे जो नेकलेस मैं आपसे लेकर गई थी वो तो गुम हो गया था, तो हमने काफ़ी कर्जा लिया है जो दूसरा नेकलेस खरीदने के लिए जिसको हमने 10 सालों में चुकता किया है. तब उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तूने बहुत गलत किया जो तूने हमें मुझे नहीं बताया. वो डायमंड नेकलेस तो सिर्फ 500 रुपये का था क्योंकि वो नकली था, आर्टिफिशियल था. इस पर मटिल्डा बहुत दुखी हो जाती है और वो जो सोचती है कि काश वो उस दिन मैं अपनी फ्रेंड से जो बात कर लेती कि आपका नेकलेस गुम हो गया है मेरे से, तो शायद मैं इस बर्बादी से बच जाती. तो इस तरीके से इस लेसन में आपको ये एक शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, हमें उसी में सेटिस्फेक्शन लेनी चाहिए. हमें ये नहीं करना चाहिए कि आज हम उससे उधार ले लें, आज हम उससे ले लें, किसी से लेकर पहने खाली शो ऑफ के लिए. जी आप मटिल्डा की स्टोरी में देख चुके हो. तो इस तरीके से दूसरा इसमें ये है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके साथ शेयर करो जैसे कि उसने मटिल्डा ने नहीं की. इस तरीके से आप काफ़ी हद तक बर्बादी से बच सकते हो. तो आज का था जी शॉर्ट स्टोरी. अब हम मिलेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे दूसरी स्टोरी के साथ. ओके, थैंक्स बच्चों.